इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। किसान विधेयक के विरोध में सड़क पर उतरे किसान, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी अध्यादेश विधेयक के विरोध में समर्थ किसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिराथू तहसील का घेराव किया और सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। पार्टी नेता अजय सोनी की अगुवाई में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विधेयक के विरोध में तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी सिराथू राजेश श्रीवास्तव को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में तत्काल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान अध्यादेश विधेयक वापस लेने, कौसाम्बी के सभी सूखी नहरों में पानी छोड़े जाने, सिराथू को नगर पालिका घोषित करने, उदहीन बुजुर्ग को ब्लॉक बनाने, किसानों से क्रय केंद्रों पर बिना कमीशन के धान क्रय कराने जैसी मांगे शामिल थी। कौसाम्बी से आनंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। सिराथू तहसील आए हैं, यहाँ आपने आज ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य था? केंद्र की सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध लाए गए 3 किसान अध्यादेश विधेयक के विरोध में समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में आज हम लोग तहसील सिराथू जनपद कौसाम्बी मुख्यालय में प्रदर्शन किए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी सिराथू राजेश श्रीवास्तव जी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी पार्टी के प्रमुख मांगों को राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान अध्यादेश विधेयक केंद्र सरकार द्वारा तत्काल वापस ले जाएं और किसानों के भविष्य के साथ किसी तरह खिलवाड़ न किया।